ये नकली पंथ जो ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सारे झूठ बोले कति सौ की सौ। इनमें किसी ने भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको। अगर परमात्मा मिला होता ये निराकार बताते, सदग्रंथ सत बतावे कि उस सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, आंखों देखा संत बताते हैं, दानक रूप रहा करतार, और हमरे ही निहार है हमारा सृजनहार, हमारे जैसा हमारा भगवान, हमारे हमारा उत्पत्ति करता। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि पहले हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते थे उन्हीं से परिचित हों, फिर दिखता कौन ही भगवान के पहचान की और मोक्ष की कोई समस्या खत्म, क्योंकि इतना सिंपल मार्ग गैस जैसा मार्ग नहीं। इन काल के दूतों ने काल प्रेरणा से अपनी प्रभुता दिखाने के लिए हठ योग शुरू कर दिए, सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए खड़े होकर तप, उल्टा होकर के तप, और नरे अनुष्ठान करने लगे सुहा सुहा करके। ये तो नाशकरण की विधि ढूंढा करते थे, एक दूसरे पर प्रभु पकड़ने के लिए। किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली तो दूसरा ने सोचा तीन करूं मैं, और तब इससे मैं सुप्रियत कहलाऊं जनता में। परमात्मा कहते हैं इस हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे को, लेकिन इन सिद्धियों का प्रयोग ना कर लेना, ये विष का काम करेंगी, अपने आप पड़ी रहें, क्योंकि सिद्धियाँ हमारा सहयोग देंगी और हम इसको प्रयोग करने लगे तो फिर हानि कर देंगे हमारे को। तो इसलिए ये सिद्धियों का प्रयोग करते थे। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी। अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी, यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, एक वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाकर। तो उसकी महिमा होगी, एक राजा के संतान नहीं थी, राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे सेवा की, फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म दिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया, 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में गांव गांव नगर नगर में घूमता था, तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहां तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक आओ भगत के लिए, और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी, तो वहाँ जाकर के कहा कि भगवान आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूँ। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं एक दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ, फिर उसने कहा जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा, तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की से करा दी, बेटा तू इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जुड़ा 7 दिन डटया, फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने, अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया था, पता नहीं कि बद्दुआ दे दे कति नाश हो जाए मेरा, अपना छाती पर पत्थर धरके कि जवाब की आ गया। हवले का लड़की ने जाता रहा कर ले साधना इनकी,
फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर लिया। जीवन सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोजुग जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आका से उड़ जाई। अपने आत्माओं, अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य ऋषियों ने, देवताओं ने कि भगवान यहाँ तो सब आओ भाव बिगड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आप दया करो हमारे ऊपर, रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया, सातों समुंदर भर गए। अपने आत्माओं, आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति, इन नकली ऋषि संतों महंतों के कारण ही न कहेगा पता नहीं, हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं ये तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहाँ से दूर तो दिखे सब न महात्मा, वो बैठा और फिर आँख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जा, लोग आन जान लग जा, उसकी महिमा हो जाए, वह महिमा की भूख है। परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़ें, डूंगर माने ऊंचे टीले पर, पहाड़ पर, पहाड़ पर, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें बो सूल बबूल। आम जनता तेने सोचा बड़ा महात्मा भाई कमाल कर रहा, अगर छोड़ कर देख परमात्मा के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, तो कहते हैं ये तो बो है सूल बबूल, ये तो कांटे बो अपने आने वाले जीवन में, इसकी साधना ठीक नहीं। अब एक दो भक्त थे घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए, उनको एक महात्मा मिलके जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहावे थे, दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर जाकर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो उस महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्ध सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को अभी बताया कि परमात्मा तीन स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं, एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं, अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं, 120 वर्ष रहे थे कलयुग में और सब अपना ज्ञान प्रचार करके, अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के, अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जुट डाले, दूर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला, सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं, फिर वो अपने ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं, कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोलमोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते, तो जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब बगाम वहाँ पूछने करके अभी यहाँ का कोई आदमी है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए फिर अचानक चले गए,
साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए, ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ, वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत्साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की, संत ने उसे कहा बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा सतीथी कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहाँ पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली के बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए, परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले डो रहा था, उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूँ आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया, देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने, बोला 12 वर्ष में तेने दो अन्य की कमाई करी, एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है, सारे 12 वर्ष में तेने दो अन्य की कमाई करी, ये टट्टू साधना प्राप्त हुई क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। अक्सर सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौका वाले बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे, वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं, उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी के अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मंदिर डला डोलिए सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था, तब वो सिद्ध जो था सिद्ध वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो, कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहाँ सिद्ध के वहाँ, कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला,
अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भी देखो गुरुजी, चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तो ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल मानना पड़ता है और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए और मुझे आप किसी से दिला दो ये नाम, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया किसने, कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश दे गए वह और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहां पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सत्र में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हुआ। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्हें बोला रहा इससे बढ़िया बात है और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु बाहिर मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहाँ बैठे ने आग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बड़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता भगवान से, दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। बिस्वे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है सिद्धियां की जो चौधर है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि पर लोक कह बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पी वे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सोहम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सोहंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहू निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बता है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं,
एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं, हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊटपटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।